ऐसी अच्छी खबर जिसकी गूंज भारत के बाद अब दुनिया के विकसित देशों में भी सुनी जा रही है। गाय के गोबर को भारत में तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब गाय के गोबर से बिजली बनाने की पहल हुई है यूके यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ गोबर से बैटरीज बनाई जा रही हैं, जो कि क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया ऑप्शन मानी जा रही हैं। यूके की एरला डेयरी में 1 किलो गोबर से बनी बैटरी से बन रही है 3.75 किलोवाट पर आवर की बिजली। अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो इतनी बिजली जिससे 5 घंटों तक चल सकता है नॉनस्टॉप एक वैक्यूम क्लीनर। गाय का गोबर प्राकृतिक है पूरी तरह से, वो मिट्टी को पोषण देता है। अगर इसी गाय के गोबर को हम बायोगैस में कन्वर्ट करके उससे क्लीन एनर्जी बनाएं और फिर ये बैटरीज बनाएं, तो ये एक समझदारी का प्रयोग है। खास बात है कि ये सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ फूड प्रोडक्शन से होने वाली कार्बन इमिशन को कम कर सकता है। भारत के छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने का ट्रायल काफी कामयाब रहा। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर बंचरौदा गांव में 250 किलो गोबर और 500 लीटर पानी के इस्तेमाल से 1 घंटे में बनी 4000 वाट बिजली, यानी इतनी बिजली जिससे 150 एलईडी बल्ब 12 घंटों तक जल सकते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत में ये प्रयोग पहले से थे, और आज जब डेनमार्क, यूएसए, यूके में डेयरी फार्म्स इन सब तकनीकों की तरफ, इन सब तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम अपनी परंपराओं को याद रखें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अपना फीडबैक हमारे साथ सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। हमें सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर फॉलो करें, और हमारी खबरें अगर आपको अच्छी लगी तो इन्हें ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।